लोकसभा चुनाव 2024 के अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे। किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। मौजूद हैं वाराणसी में। वाराणसी गंगा जमुनी तहजीब है, खास करके बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ की नगरी है। धार्मिक एजेंडों में एक अहम भूमिका रहती है और पूरे देश की नज़र वाराणसी में रहती है क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। लेकिन हम मौजूद हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण जनता की हाल जानने आए हैं। यहाँ के 5 साल की सरकार में, डबल इंजन की सरकार केंद्र में और 5 साल राज्य में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पे जनता वोट दी है कि मंदिर और मस्जिद के मुद्दों पे वोट दी। वर्तमान समय की क्या राजनीति है, क्या जनता मुद्दों को समझ पा रही है, क्या नेताओं के वादे और उनके विचार को जानती है, आप देखते रहिए। जनता ही जनार्दन है, जनता से ही बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ भैया? अजय। अजय जी, क्या माहौल है? माहौल बहुत खराब है। हाँ, आप किस समाज से हैं? हम निषाद समाज से हैं। आपके समाज के बड़े नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी? नहीं नहीं, हम केवट हैं। अच्छा अच्छा, हम केवट हैं। राम को पार किए, राम को पार किए थे, आपको पार कौन लगाएगा? ये मोदी जी बोले थे कि अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा। ऐसा अच्छा दिन आया कि अच्छा दिन ऐसा आया कि उससे अच्छा तो बहुत पुराना अच्छा दिन था, ये अच्छा दिन नहीं है। वो 10 साल पहले अच्छा दिन था, ये बहुत बेकार दिन है। अच्छा, निषाद राम जी को पार लगाए थे। हाँ। राम जी की मंदिर बन गई। हाँ। तो क्या निषाद राज की मंदिर के बाद से नहीं होती है? देखिए, सब पूजा पाठ से नहीं होती है। अच्छा, पूजा पाठ से नहीं, निषादों को जो है पूजा करिए। हाँ, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, सब चाहिए भैया। ये नहीं कि खाली पूजा पाठ से काम होता है। आप जाइए पूजा सुबह करके चली आइए, दर्शन करके आइए, ठीक है। अब वो तो खाना देंगे नहीं ना, कुछ रोजगार देंगे आप। अच्छा, मोदी जी लगातार वाराणसी आते हैं, कभी मिलना हुआ गांव इधर क्षेत्र में आए नहीं? इधर शुरू में आए थे एक बार जब जीते थे यहाँ से, बनारस से पहली बार तब आए थे, गड़वा घाट आए थे। अब की बार इंडिया गठबंधन से जो है अजय राय है, पुनः मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में है, तो क्या माहौल रहेगा? हम अजय राय को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, हम मोदी जी की नहीं देंगे। अच्छा दिन नहीं लाए हैं। अच्छा, वो बोले 15 लाख रुपए 15 लाख दिए, किसान सम्मान निधि दिए, 2 करोड़ रोजगार दिए, मंदिर बनवा दिए, 370 हटा दिए, और क्या चाहिए? कहाँ रोजगार दिए, कहाँ दिए? आप देख रहे हैं, 2 करोड़ अगर रोजगार दिए तो आप सड़क पर लेके प्रेस लेके घूमते हैं आप? ये तो बताइए, सरकारी सर्विस खत्म कर दी है, सरकारी सर्विस खत्म कर दी है, बताइए आप। वाराणसी को कैटो बना रहे थे, कैटो नहीं, वो भट्टो बना दिए। मान लीजिए साफ सुधरा किए, ठीक किए, ये तो मान लीजिए। गंगा कितनी साफ है, कितने किलोमीटर तक साफ होगी? खास करके गंगा तो मान लीजिए साफ किए, ठीक, पूरी वाराणसी में साफ है। हाँ, गंगा साफ किए, हम ही नहीं करें कि नहीं साफ किए, साफ किए हम। देखिए, किसी को वो नहीं करें, लेकिन हाँ, गंगा साफ किए, रोड भी बढ़िया किए, लेकिन रोजगार नहीं दिए। रोजगार नहीं दिए, महंगाई है कुछ? महंगाई तो इतना है कि पूछिए मत। 40 रुपया गैस सिलेंडर था, अब बोल दिए 1200। अब बताइए, सब्सिडी तो आ रही खाते में? कुछ नहीं। उज्ज्वला गैस योजना से फ्री में गैस सिलेंडर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कॉलोनी आवास प्रधानमंत्री? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सारे वादे जो है गलत है। क्या नाम है? चंदन नारायण। क्या माहौल है यहाँ का? क्या माहौल है, वही देंगे हम लोग कांग्रेस वोट। पहले से ही मन बना लिए हैं मोदी जी जो है यहाँ तीसरी बार जो है हैट्रिक मारने जा रहे हैं? अरे कहाँ हैट्रिक मारेंगे, इधर पर नहीं मारेंगे, इधर नहीं मारेंगे। नहीं, निषाद नाराज है पूरा। हाँ, कुछ रोजगार दिख रहा है? कुछ नहीं रोजगार है इसमें। अच्छा, वाराणसी को कितना डेवलपमेंट मानते हैं? डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है, जगह जगह ओवर ब्रिज बन रही है, सड़क बन रही है, रिंग रोड बन रहा है, बहुत रोड को लेकर ज्यादा हुआ हो रहा है। हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ चाचा? नाम तो बचाऊ है। अच्छा, क्या माहौल रहेगा यहाँ? कहाँ यहाँ का जनता किसको वोट देंगे? हम यहाँ के प्रॉपर रवैया नहीं है। वोट सब भी किसको देंगे? अब हम तो वोट देंगे अपने अतु को। अच्छा,
अच्छा, क्या नाम है आपका? त्रिलोकी चौहान। क्या माहौल? ठीक है। महंगाई दिख रही है? हाँ, महंगाई तो बराबर दिख रही है। बहुत रोजगारी है? नहीं। आपका क्या नाम हुआ चाचा? राम उरत। क्या माहौल है? क्या माहौल है? माहौल क्या है? कांग्रेस को ही अथवा होगा, और क्या होगा? कांग्रेस को? कौन से समाज से है? समाज से कौन से समाज से है बिरादरी? राजभर। राजभर? अरे आपके समाज के नेता है ओम प्रकाश राजभर, कहते हैं गले में पीला गमछा बांध के चले जाइए कि थाने कोई पुलिस जो बिरादर माने कुछ नहीं होता है। जो बिरादर सुस्ती बिरादर के देखा जा रहा तो वही मनता है। पहले गठबंधन में सपा में क्या भाजपा दिए है, क्या अनिल दिए है, क्या ओम प्रकाश का दिए हम? कुछ नहीं, बिरादरी माने कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए। राजभर नाराज है? भाई ना नाराज रहेंगे भाई, चाहे बिरादर हो चाहे कोई अथवा हो। बात केवल विचारधारा की है, जातवाद की नहीं, बिरादरी वाद की नहीं। सही बात। माता जी क्या नाम है? रानी देवी। रानी देवी क्या है? कुछ आप महिला हैं, गृहस्थी चला रही हैं, घर परिवार चल रहा है, कुछ महंगाई मोटा है, काम मोटा काम करत बा, नदमी खाद बाई, और टीना का घर बा। टीना का घर है प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र में? चले दिखाई। टीना दो बार प्रधानमंत्री रहे मोदी जी भाई, आप छप्पर में रह रहे हैं। यही तो यही से तो परिमुतिया मैंने के। कितने बच्चे हैं? अरे बच्चे तो हमारे दुए थे, लड़का एक, लड़की तीन थे, दो बच्चन के साथ लड़की लड़का है। खाना बनाती है? हाँ, तो खाना पे खाना बनाती है, चूल्हा पर बनाते हैं खाना। गैस सिलेंडर नहीं मिला? गैस सिलेंडर दे के का करिए, 1200 रुपया गैस देतन। मोटा काम करे वाला ने कितना गैस भरिए देले हुआ? तो कितना गैस भरिए? 1200 रुपया गैस का दिले। कहाँ से गैस भराव जाए भैया? लकड़ी बीन के मैंने खाना बनाई। लकड़ी बीन? लकड़ी बीन के, गोबर बीन के, पात के मैंने खाना बनाई ला। अंडा से? और का गोरु जानवर रखे? नहीं नहीं, जानवर नहीं भैया, जानवर कहाँ से? इतना हमने खेती होती है कि नहीं? नहीं नहीं, कुछ खेती नहीं, भी नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे जो है खुराकी चल रही है, खर्चा? आदमी मोटा काम करते हैं, मजदूरी करके जो है, मजदूरी करते हैं। 400 रुपया 40 रुपया 50 रुपया किलो चावल है। हाँ। जेकर राशन कार्ड 150 रुपए किलो दाल है, अरहर की 170 180। उधर हमारी तरफ तोरे यहाँ 170 180 परचून के दुकान ले चल के पूछा दे, 150 रुपया किलो कर, 200 रुपए का तेल है। हाँ, ऐसे जो है बच्चे पल जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं, क्या कर जाए? अच्छा, राजभर राजभर समाज जो है बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं रहा है? ये गरीबी कौन से पढ़ी है? यही गरीबी में क्या पढ़ी है बतावा? ये बाप का माँ तो मोटा काम, आज जगह चाटे लड़का कहाँ पढ़ा पाई है? आपके समाज के एक नेता पीला गमछा डाल करके कॉलर टाइट करते हैं, हमसे बड़ा कोई नेता नहीं प्रदेश में। आपका समाज, आपके समाज की एक महिला, एक माँ जो है, ये हमने कितना लड़का है, इतना लॉकडाउन 2 साल लगा ले, इतना चाउर तक हमने कंट्रो भी ना मिली, राशन कार्ड है ना तो मिली कहाँ से? अभी मोदी जी कह रहे हैं 6 दिन ला दिए। हाँ हाँ, ये कहतन, ये लॉकडाउन लगा के कहतन की अच्छा दिन आ गया, अच्छा दिन दिखाई। नाम अम्मा लक्ष्मी ना, आपकी का माहौल रही के कौर दे? अब देखा जाए भाई, तब नहीं बता सका चाहिए। क्या नाम बाबा? मेरा राम राजबली नाम है। हाँ बताओ। हमने का राशन कार्ड ना है। राशन कार्ड नहीं? हाँ, राशन में विधवा पेंशन का सब जिला के सब कार्ड दिले हुए। प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र में राजभर समाज की स्थिति दुर्दशा है ना? इतना महंगा हमारे के लड़का बीमार है 4-5 साल से, हम ही चल रहा है नहीं कुछ ना, कहाँ पाइप के इलाज करो? अच्छा, कोई कमाने वाला घर में नहीं? नहीं कोई नहीं। मतलब चाचा ये पूरा समाज जो है राजभर यहाँ का, ये गांव कौन सा है? मलैया गढ़वा घाट, मलैया गढ़वा घाट मलैया। लोकसभा सीट वाराणसी ही है। मतलब आप लोग केवल काम कर रहे हैं? ये चाचा देख रहे हैं ये समाज जो है, ये कमेरा समाज है, काम करने वाला है। वहीं ओम प्रकाश राजभर बड़े बड़े दावे करते हैं ना, मंत्री है, फिर भी मंत्री बन गया। उनका समाज मुफलसी के दौर में जी रहा है, क्या कहे? कौन तो यार ढरकुन नेता है, दौड़े यार ढरक जाए, दौड़वा अपना काम बनाते हैं। अब बताइए, हम 70 साल का हमारा उम्र हो गया, हमको राशन भी नहीं मिलता है। अब बताइए सिलेंडर, 70 साल की उम्र के राशन भी नहीं मिलता है। ऐसा इंसान बने, ऐसा बनाए कि महिला के अथवा कर दिए हैं राशन कार्ड, बता जगह हमारे पहले 70 साल हो गए, कुछ हमको नहीं मिल रहा है, न सिलेंडर मिला है, न नरेगा चलता है, उसमें जीते खाते थे, राशन भी नहीं मिलता। बताइए हम कितने जी रहे हैं? मोदी जी बड़े नेता हैं देश के, नेता का जब मुआ रहे हैं कि बड़े नेता हैं का से? बताइए हम लोग का भी नहीं, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिले, बताते हैं विश्व में डंका बज रहा है। अरे झूठी खाली बात बोलते, खाली तो पक्के तो झूठे बोलने वाले, 56 इंच का सीना है। अरे तो पक्के झूठ बोलने, खाली कहते हैं कि हमारा राज हो जाए तो 15 लाख का कब जाया?
हिंदू खतरे में आ जाता है, एकदम खतरे में, हिंदू के एकदम खतरे में, खाली झूठ बोलते होते हो, खाली झूठ बोलते, झूठ बोल के हिंदू खतरे में, एकदम झूठ बोल, खाली झूठा बोलते हैं और उनके सेवा कुछ नहीं करते, यही बात है। क्या नाम चाचा? नारद जी भारद्वाज। भारद्वाज है, भारद्वाज ना, भारद्वाज ऋषि भी थे प्रयागराज। नहीं ऐसा है कि राजभर में भारद्वाज भी आते हैं। अच्छा, गोत्र है हमारा। अच्छा, गोत्र है, आप गोत्र बता रहे हैं। क्या माहौल रहेगा यहाँ का? कोई चुनाव के बारे में तो माहौल ठीक नहीं है, मगर रह गया कि सवाल ये उठता है कि कब लला इस बार मोदी सरकार नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, कारण कुछ? महंगाई चरम सीमा पर है। माहौल किसका? माहौल कांग्रेस का है। यहाँ राजभर समाज जो है कांग्रेस की तरफ जा रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ के जितने राजभर हैं और लोग हैं, कुंभी हैं। कल को ओम प्रकाश राजभर चाचा चले जाए जनसभा, कुछ नहीं होगे, कुछ नहीं होगा यहाँ। एक भी दाल में है मोदी जी के, एक भी दाल नहीं गलेगा। यादव से लेके कुंभी से लेके मल्लाह से लेके चमार से लेके कुल कांग्रेस। मोदी जी से नाराजगी इतनी क्यों? उनका मन अपना अपना है। मंदिर बनवा दिए, 370 खत्म कर दिए, रोजगार दे दिए, गैस सिलेंडर जल रहा है, क्या कुल दे दे, मगर रह गया कि यहाँ की जनता जो है उनसे सवाल मांगेगी कि क्या बोला आप क्या किए 10 साल में, 56 इंच का सीना। हाँ, पाकिस्तान थर्रा रहा है। सभी लोग का बोला कांप रहे हैं, फिर भी का बोला अभी बुलडोजर बुलडोजर गरज रहा है। हाँ,